नमाज को बाजमात पढ़ा जाए, वक्त पे पढ़ा जाए। आज सईद बिन मुसैयब कहां से लाए हैं जो कहा करते थे लोगों 50 साल हो गए, मुअज्जिन अजान बाद में कहता है मैं पहली सफ में पहले बैठा होता हूं। आज अमज सुलेमान इब्न मेहरान कहां से लाए जो कहते थे लोगों 70 साल हो गए मेरी कोई तकबीर उला फौत नहीं हुई। आज वो कहां से लाए जब एक बाप अपने बेटे से पूछता है या बुनई अदरकत तकबीरत उला, बेटे तकबीर उला के साथ तुमने नमाज पढ़ी? قال لا, अब्बा जान आज नहीं पढ़ सका। तो बाप क्या कहता है, لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون, बेटा अगर 100 ऊंटनियां मुझे मिल जाती काली आंखों वाली तो मुझे उतनी खुशी नहीं होनी थी जितनी तेरी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की खुशी होनी थी। इसका तर्जमा अगर मैं आजकल के एतबार से करूं, ऊंट इतना ही महंगा समझा जाता था अरबों के यहाँ जितनी आज एक लैंड क्रूजर की कीमत है। 100 गाड़ियां अगर दरवाजे पे खड़ी हों तो इंसान को उतनी खुशी नहीं होनी चाहिए जितनी बेटे की तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की खुशी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق। जो शख्स 40 दिन तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ता है उसको 2 इनाम मिलते हैं। पहला इनाम, एक तो वो मुनाफिक नहीं होगा, दूसरा इनाम जहन्नम से अल्लाह उसे आजाद कर देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन ये सोचता वो है जिसे कुछ चाहिए। और फिर किस्सा से इबर, कुछ किस्सों में इबरतें होती हैं। इत्तेफाक से बैतुल्लाह में हम खड़े थे, एक शख्स आया, कहते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कारी साहब एक दुआ कर दें। मैंने कहा खैर की दुआ है? कहा हदीस सुनी थी 40 दिन जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े तो उसको ये इनाम मिलता है। 36 दिन हो गए बैतुल्लाह के अंदर पहली सफ में तकबीर उला के साथ मैंने नमाजें पढ़ी हैं, दुआ कर दें 4 दिन जिंदगी और मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, जिस शख्स की नमाज नहीं है उस शख्स का ईमान भी नहीं होता। जब गवर्नर्स को इकट्ठा करते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई बात ना करते, पहली बात क्या करते, इन अहम उमूरिकुम इंदी अस्सला فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع। सुनो, तुम्हारी गवर्नरी एक तरफ, सबसे मुहिम काम मेरे नजदीक नमाज है। ये बताओ नमाज की पाबंदी करते करवाते हो? जिसने नमाज की हिफाजत की उसने सिर्फ नमाज की हिफाजत नहीं की, पूरे दीन की हिफाजत कर ली। ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع, जो नमाज को जाया करता है वो बाकी किसी काम को भी जाया करने से गुरेज नहीं करेगा। इसलिए ये अहद कीजिए, दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमें बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।